सभी बच्चों को नमस्कार। स्टूडेंट्स देखिए, हमारी जो रिटर्नर की क्लास थी, रिटर्नर में हमने आर्टिकल पढ़ा, हमारा टॉपिक पूरा हो गया आर्टिकल का। अब उसमें हमने डेमोंस्ट्रेटिव पढ़ा और पसेसिव पढ़ा, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे, देखो आज का हमारा टॉपिक है न्यूमरल। न्यूमरल डिटर्नर क्या पढ़ रहे हैं? न्यूमरल डिटर्नर्स, संख्या वाचक निर्धारक क्या होते हैं? ये संख्या वाचक निर्धारक होते हैं, किसी भी संख्या को प्रकट करने वाले होते हैं। ये इसको हम कह सकते हैं, ये संख्या सूचक लिखेंगे आप, ये संख्या सूचक विशेषण होते हैं। कौन होते हैं? ये संख्या सूचक विशेषण, न्यूमरल एडजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूमरल एडजेक्टिव। दूसरी बात, इनका प्रयोग गणनीय संज्ञाओं से पहले, इनका प्रयोग काउंटेबल नाउंस, काउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है, ठीक है। कहाँ किया जाता है? काउंटेबल नाउन, गणनीय संज्ञाओं से पहले। तो इनका प्रयोग काउंटेबल नाउन से पहले, काउंटेबल नाउन से पहले, या फिर ये कह सकते हैं, ये काउंटेबल नाउन से पहले लगकर, काउंटेबल नाउन से पहले लगकर उनकी संख्या का बोध कराते हैं, उनकी संख्या का बोध कराते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? ये संख्या का बोध कराते हैं। न्यूमरल जो डिटर्मिनर्स होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, आप लिख सकते हैं। न्यूमरल डिटर्मिनर्स तीन प्रकार के होते हैं। पहला डेफिनेट न्यूमरल, कौन सा? डेफिनेट न्यूमरल। दूसरा इनडेफिनेट न्यूमरल, इनडेफिनेट न्यूमरल, ठीक है। और तीसरा हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव्स। ठीक है, ये तीन अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं? न्यूमरल डिटर्मिनर्स होते हैं। पहला डेफिनेट, निश्चित संख्यावाचक, इनको क्या कहते हैं? निश्चित संख्यावाचक, ठीक है। इनको कहते हैं अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है। और उनको बोलते हैं विभाजन सूचक। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं विभाजन सूचक, इनको बोलते हैं विभाजन सूचक। अब इसमें यदि हम देखें तो जो देखिए डेफिनेट न्यूमरल्स होते हैं, डेफिनेट न्यूमरल्स क्या होते हैं? डेफिनेट न्यूमरल संख्या, इनमें निश्चित संख्या होती है, ठीक है। डेफिनेट न्यूमरल में क्या होती है? निश्चित संख्या होती है। और इनको बांटा गया है तीन भागों में, एक कार्डिनल, एक ऑर्डिनल्स, ठीक है, कार्डिनल ऑर्डिनल्स और मल्टीप्लिकेटिव्स। मल्टीप्लिकेटिव्स कार्डिनल जो नंबर होते हैं वो मौलिक संख्या सूचक, क्या होते हैं? मौलिक संख्या सूचक। ऑर्डिनल्स जो होते हैं उनको कहते हैं क्रमवाचक, क्या कहते हैं उनको? क्रमवाचक। और ये होते हैं गुणात्मक, ध्यान देना।
कि न्यूमरल जो डिटरमिनर्स होते हैं वो संख्यावाचक होते हैं, पहली बात तो हमें ये समझनी है। दूसरी बात, ये संख्या सूचक विशेषण होते हैं, इनको क्या कहते हैं, संख्या सूचक विशेषण, ठीक है। तीसरी बात हमें क्या याद रखनी है, ये काउंटेबल नाउन के साथ आकर उनकी संख्या को, संख्या का बोध कराते हैं। जैसे मैं कहूँ टू बुक्स, तो टू बुक्स क्या हो गया, एक संख्या हो गई टू, और बुक्स क्या हो गया नाउन, इसको काउंट कर सकते हैं हम। तो टू यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक न्यूमरल एडजेक्टिव है, और टू किस श्रेणी में आएगा, मौलिक संख्या में आएगा, कार्डिनल्स में आएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सभी क्या कहलाते हैं, ये कार्डिनल्स कहलाते हैं, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5 मौलिक संख्या जो होती है वो क्या होते हैं, कार्डिनल्स। और ऑर्डिनल्स कौन से होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये आपने सुने होंगे, ये सभी क्या होते हैं, ऑर्डिनल्स होते हैं, ठीक है। और मल्टीप्लिकेटिव्स क्या होते हैं, सिंगल, डबल कहते हैं ना हम, ये सभी क्या होते हैं, ये मल्टीप्लिकेटिव्स होते हैं। बात समझ में आई। तो क्या होते हैं न्यूमरल्स, किसी काउंटेबल नाउन के साथ आकर संख्या का बोध कराते हैं। अब हम एक एक को पढ़ेंगे। हमें ये पता लग गया कि देखो डेफिनेट जो होते हैं वो निश्चित संख्या सूचक होते हैं, ये अनिश्चित होते हैं, और ये विभाजन सूचक होते हैं। तो पहले हम पढ़ रहे थे डेफिनेट। डेफिनेट जो होते हैं वो किसी निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, पहली बात। दूसरा, ये तीन प्रकार के हैं, कार्डिनल, ठीक है, कार्डिनल नंबर न्यूमरल्स, ऑर्डिनल न्यूमरल्स और मल्टीप्लीकेटिव्स। कार्डिनल का मतलब मौलिक संख्या सूचक, ऑर्डिनल का मतलब क्रमवाचक, और इसका मतलब गुणात्मक। इस तरह से ये क्या है, ये आपके न्यूमरल्स हैं। अब इसमें हम देखो, अब इनकी बात कर लें हम थोड़ा सा। तो ये मैंने अभी बता दिया आपको, कार्डिनल नंबर क्या होते हैं, 1, 2, 3। कार्डिनल्स क्या होते हैं, कार्डिनल्स मौलिक संख्या सूचक होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये जो संख्या है सभी है, ये क्या है, ये कार्डिनल नंबर होते हैं, ठीक है। और ऑर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल्स जो होते हैं वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरह से हम बनाएंगे, क्रम हो गए ये। तो ये सभी क्रम किसको बताएंगे, ये सभी ऑर्डिनल्स को बताएंगे, ठीक है। और मल्टीप्लिकेटिव्स मैंने बताया अभी, मल्टीप्लिकेटिव्स क्या होते हैं, गुणात्मक होते हैं। जैसे हम कह दें डबल, सिंगल, डबल, ट्रिपल, ठीक है, ये सभी, और इसमें बहुत भी आता है, ये सभी मल्टीप्लिकेटिव्स होते हैं। तो ये बात कर ली हमने किसकी, ये सभी क्या होते हैं, डेफिनेट डिटरमिनेंट्स होते हैं, ठीक है, डेफिनेट न्यूमरल्स। अब इसमें देखो लिखने की कोई जैसे जरूरत नहीं है, क्योंकि सिंपल है। डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित, ये निश्चित होते हैं, आराम से हम कह सकते हैं इसको। यदि हम इसके कुछ एग्जांपल लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, राम एज 4 काउच। तो काउ यहाँ पर एक काउंटेबल नाउन हो गया, और ये किसको बता रहा है, 4 कार्डिनल को बता रहा है, तो इसमें क्या हो गया, कार्डिनल डिटरमिनर हो गया। और यदि मैं कहूं देखो, ही गॉट द फर्स्ट प्राइज, उसने पहला पुरस्कार जीता, क्या हो गया, ये ऑर्डिनल नंबर हो गया, ठीक है। बोथ द सिस्टर्स आर टीचर्स, इसमें ये क्या हो गया, मल्टीप्लिकेटिव्स हो गया। तो इस तरह से हम इनको समझ सकते हैं आराम से। अब यहाँ देखो बात आती है हमारी इनडेफिनिट की। तो इनडेफिनिट में कौन कौन से आते हैं वो समझ लें। इनडेफिनिट, इनडेफिनिट न्यूमरल, तो इनडेफिनिट न्यूमरल कौन से होते हैं, जो अनिश्चित संख्यावाचक होते हैं,
यहाँ लिखेंगे ये अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। इनके द्वारा क्या होता है? अनिश्चित संख्या का बोध होता है। ये कौन कौन से हैं? ऑल, सेवरल, ठीक है, सम, मैनी, मैनी ए, फ्यू, अ फ्यू, ठीक है, द फ्यू। तो ये सभी किसको बता रहे हैं? ये अनिश्चित संख्या को बता रहे हैं, समझ रहे? ये किसको बताएंगे? ये अनिश्चित संख्या को बताएंगे, ठीक है। और यदि हम एक लास्ट डिस्ट्रीब्यूटिव की बात करें, डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होते हैं? ये किसी वर्ग या, ये क्या करते हैं? ये किसी वर्ग या विभाजन की प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति का बोध कराते हैं, अर्थात ये विभाजन को बताते हैं। चाहे व्यक्ति का विभाजन करें वो, चाहे वस्तु का विभाजन करें। व्यक्तियों का विभाजन या वस्तुओं का विभाजन किस में आता है? डिस्ट्रीब्यूटिव में आता है। इनमें कौन कौन से आते हैं? इनमें जैसे ईच, एवरी, ठीक है, आइदर, नाइदर, ये क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आज हमने ये जाना कि न्यूमरल जो डिटरमिनेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और उनके प्रकार कितने हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इनके कुछ नियम समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। प्रश्न कोई पूछना है आप प्रश्न पूछें, क्योंकि डिटरमिनेंट का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान देना, ये एडजेक्टिव हैं, ठीक है, एडजेक्टिव का काम करते हैं। तो जहाँ भी एडजेक्टिव का टॉपिक है वो आपको पढ़ना है। जो हाई कोर्ट का फोर्थ ग्रेड का एग्जाम है उसमें एडजेक्टिव नाम से ये डिटरमिनेंट दे रखा है, तो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। बाकी एरर पार्ट में सभी में ये आता है डिटरमिनेंट्स। आर्टिकल में हमने पढ़ लिया, डिटरमिनेंट पूरा ही हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो जो भी आपकी प्रॉब्लम है कमेंट्स करके पूछें। थैंक यू।